और बड़ी खबर संसद से आती हुई कि ट्रिपल तलाक कानून बन गया है। जी जी, आपको भी मुबारक हो साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। लंबी लड़ाई के बाद आखिर तमाम सारे हकों की करने वाले बात वो की जीत हुई है, जो हक की बात करते हैं उनकी जीत हुई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत, जी बिल्कुल, मुझे मालूम है महिलाओं पे बात हो रही थी और वहीं से बात शुरू होगी। ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। जी आज सारी उन औरतों को बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पर मैं कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करूंगी, ये सारी औरतों का हक था जिसके अंदर हम सिर्फ एक मुसलमान के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। यहाँ पर आप ट्रिपल तलाक का सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ एक औरत को एक वस्तु की तरह उपयोग में नहीं देखा जाए। वो सिर्फ शादी, एक दो तीन शादियां करके जिस तरह से मैरिटल रेप को हम देख रहे हैं, उसी के अंदर ही ट्रिपल तलाक को भी देखा जाता था और एक औरतों के एक 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 बोरी बिस्तरे की तरह उनको ढोया जाता था। आज उन सब औरतों के लिए बहुत बड़ा दिन है। ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल लॉ है जिसको हिंदू मैरिज एक्ट के साथ माना जाएगा, शरीयत एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर भी आकर एक ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू अनुजा, थैंक यू। शफी दहलवी साहब, सदस्य एडवाइजरी कॉन्स्टिट्यूशन दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया, कानून बन गया? कानून बनाते रहिए, अनइम्प्लीमेंटेबल है। इसी को ऐसी रेजोल्यूशन है, आप मुझे बोलने दीजिए, आप बाद में बोलिएगा, समझे? आप क्या कानून बना रहे हैं? आप जो आदमी तलाक देगा, हमारे धर्म में, हमारे मजहब में तलाक एक ऐसा बरकत है ऊपर वाली तरफ से कि अगर मियां बीवी में नहीं बनती है, किसी तरह से आपस में इख्तलाफ है, तो आप खुशी से तलाक देकर अलग हो जाइए और वो दूसरी शादी कर लें। लेकिन आप ये करना कि साहब वो तलाक दे दी, उसको 3 साल जेल हो जाएगी, तो कानून में तलाक तो नहीं हुई उसको, क्योंकि आपने तलाक माना नहीं उसको, और वो चलेगा जेल 3 साल तक। 3 साल तक उस औरत का क्या होगा जिसको आपने छोड़ा? तलाक तो उसको ही नहीं, सुनिए, उसको नहीं मानेंगे। ये खुलेआम संसद का अपमान है, इस देश की न्यायपालिका का अपमान, कानून का अपमान है, और ये खुलेआम कानून को चैलेंज कर रही है। दूसरे के धर्म में सीधी सीधे मदाखलत है, ये हस्तक्षेप है दूसरे के धर्म के अंदर। आपके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास। और मैं बता दूं आपको, सभी साहब अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी तो बात हो रही थी कानून की, संविधान की, और जैसे ही 3 तलाक बिल पास हुआ ये कह रहे हैं हम कानून और 3 तलाक पे जो संविधान बना है इसकी धज्जियां उड़ाते हुए हम इसको मानेंगे ही नहीं, ये इन्होंने अभी नेशनल टीवी पे बैठ के कह दिया। ये अनवेटेबल है, धर्म में मजाक रहे सीधे सीधे। और आपने औरत की बात कर रहे हैं, किसी के मर्द को मार दो, कब्रेस को मार दो, उसकी बीवी के क्या मुस्लिम मिले का इंसाफ कर रहे हैं आप? है, कब्रेस को मारा आपने, कब्रेस मारा आपने, फुलवा खां को मारा आपने, अखलाक को मारा, उसकी बीवी ने क्या सुलूक किया आपने? वो मुस्लिम महिला नहीं थी? है, उधर मोदी जी अपनी बीवी को छोड़ा। एक बात बोलूंगी, 1985, सुनिए आप, सुनिए आप बोले, देखिए मैं सुनी, मेरी भी सुन लीजिए थोड़ा सा। 1985 में केस शुरू हुआ, आज 35 सालों बाद देश को इसका रिजल्ट मिला कि 35 सालों बाद ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ। अब दाल में नमक नहीं है, इसमें कोई तलाक क्या क्या घर से बाहर किसी को नहीं निकाल पाएगा, इसमें कानून बन चुका है। इनको बुरा लगे अच्छा